ये देखें यार, ये है फोग, ये सामने है, हम इसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। माशाल्लाह यार, मैं तरस चुका था इस इन्वोकेशंस के दौरान इस चीज़ को देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामने से स्प्रेड हो रही है यार, मैं इसको टच कर सकता हूँ, ये है यार। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली फॉर यू। अच्छा यार, उम्मीद है सब लोग हैरियत से हो गए, खुश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हमारी ये जो सेमेस्टर ब्रेक है वो एंड हो चुकी है। आज हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट डे है, तो जो लोग दोस्त रखते होंगे उनको पता होगा कि कितनी खुशी होती है जब काफ़ी अरसे बाद बंदा चल के अपने दोस्तों से जो है वो मिल रहा हो। तो आज मैं वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ एक न्यू सेमेस्टर में। अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़ल्ट अच्छा आया, मैं एक न्यू सेमेस्टर के अंदर जो है वो जा चुका हूँ, पिछले सेमेस्टर को छोड़ दिया है, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो है वो मैं जा रहा हूँ। तो पाँव में ज़रा सी मोच है, चलने में मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, शायद आपको कैमरे के हिलने की वजह से कुछ अंदाज़ा हो रहा हो। डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है मैं मरी से 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ, GPO चौक से 5-7 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर ना इतनी ज़बरदस्त किस्म की धूप लगी हुई थी कि मैं काटन का सूट लगा के आया हूँ, अगर बारिश हो गई तो मेरी शहम हो जाएगी काटन के सूट में। तो देखें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे अभी 5 मिनट पहले काफ़ी ज़्यादा फोग देखने को मिल रही थी, जिससे मैं ऐसा 100% कह सकता हूँ, मुझे यकीन है एज अ मरी का लोकल होने की वजह से ना, कि जिका गली में हमें बहुत ही ज़्यादा फोग देखने को मिल रही होगी। जिका गली यार मरी का सबसे ठंडा इलाका है। सो अभी सिलसिले में हम लोग वहाँ पर मूव करने वाले हैं, इंशाल्लाह ये व्लॉग जिका गली के रिलेटेड होने वाला है। यूनिवर्सिटी से मैं वापसी यहाँ पे भी आऊँगा इंशाल्लाह। यार माशाल्लाह से ये हम कश्मीर पॉइंट में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी है, तो वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमारा जो न्यू सेमेस्टर अभी आया है ना, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट अगर मुझे देख रहा है तो मैं उसको बताना चाहूँगा, यार आपको एडमिशन के दौरान काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना हुआ होगा। असल में न्यू यूनिवर्सिटी है, अनएक्सपीरियंस स्टाफ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे मिसाइल देखने को मिले होंगे, जिसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है यार, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अभी चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज नहीं किया गया, सो इसलिए न्यू सेमेस्टर वालों को मिसाइल देखने को मिले होंगे, इसी सिलसिले में लोग काफ़ी खड़े। जैद साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अरे ये देखें, मेरिट लिस्टें वगैरह लगी हैं, लोग रो रहे हैं। यार हमें भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। हमजा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। यार ये सामने है यार जिका गली की खूबसूरत दुनिया, माशाल्लाह इतनी फोग देखने को मिल रही है। हम तो इस सेमेस्टर ब्रेक में तरस चुके थे इस खूबसूरत किस्म के मौसम को देखने के लिए। नीचे जा रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी का हमारा कैंपस जो है वो नीचे ही है, सारी क्लासेस हमारी वहाँ नीचे ही होती हैं जिका गली में। न्यू लोगों को बताना चाहूँगा, वैसे तो रोज़ाना की बेस पे यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स में आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ। तो जा रहे हैं हम, फर्स्ट डे है यार इस सेमेस्टर का, टीचर मुश्किल ही है, मुझे कोई ऐसे फील हो रहा है मुश्किल ही है कोई टीचर मुझे अवेलेबल हो, क्योंकि फ़र्स्ट डे है। लेकिन वहीं पर चल के रिमेनिंग डिस्कशन करते हैं, जल्दी से मैं बाग के इस खूबसूरत मौसम के पास जाना चाहूँगा, के करीब जाना चाहूँगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार। यार प्लीज़, मुझे नहीं पता, आपकी मेहरबानी होगी, बताओ क्या ख़ास चीज़ है इस जिका गली में। और मेरी YouTube फैमिली के साथ जो पहले से लोग कनेक्टेड हैं वो तो जगह को पहचान चुके होंगे, तो वो बताएं कौन सी जगह है ये।
चले मैं खुद बताता हूँ। ये सामने कोसार यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है जो कि नज़र नहीं आ रही इस इतनी ज़्यादा फोग होने की वजह से। अच्छा, मैं डिवाइस का प्रोटेक्टर उतार के ना फिर से व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करता हूँ ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से समझ आ सके। अच्छा यार, प्रोटेक्टर के साथ ना ग्लास भी था साथ में, सो इस वजह से आपको शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी ना देखने को मिल रही हो, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी चलता हूँ, यार क्या ख़ास बात है इस जीका गली में, ऊपर देखें क्या हाल था और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत फोग हमें देखने को मिल रही है, बल्कि एक बहुत खूबसूरत मौसम देखने को मिल रहा है। ये देखें यार, ये है फोग, ये सामने हम इसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, माशाल्लाह। यार मैं तरस चुका था इस इन्वोकेशंस के दौरान इस चीज़ को देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सामने से स्प्रेड हो रही है यार, मैं इसको टच कर सकता हूँ, ये है यार माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यार यकीन करें इस मौसम में आके जो खुशी हो रही है ना उसको मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा कीज़ मैं बाइक के अंदर ही छोड़ आया हूँ, ऐसा ना हो कोई शरारत कर दे, चलें पीछे बैक ही मूव करते हैं। तो देखें ये सामने है यार, मैं अभी भी इसको टच कर सकता हूँ माशाल्लाह, और साथ में ये इनहेल जब मैं इसको कर रहा हूँ ना इस ऑक्सीजन को, तो अंदर ठंडी ठंडी जाती फील हो रही है, तो माशाल्लाह मैं कैसे आप बयान करूँ यार अल्लाह की कुदरत को, बहुत खूबसूरत है यार। अच्छा दरमियान में एक टाइम लैप्स पे जो क्लिप मैंने आपको प्रोवाइड किया, इसमें एक छोटा सा कट अगर आपने फील किया हो ना, तो उसमें मेरा फ्रेंड मुझे मिला था, वो कह रहा था क्लासेस वगैरह कोई नहीं है, फैकल्टी है ही नहीं, तो वो वापस हो रहा था, मैंने कहा चले मैं भी जो है वो यूनिवर्सिटी को देख ही आऊँ। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले सेमेस्टर में भी हम पहले दिन आए थे तो फैकल्टी नॉट अवेलेबल, ऐसे सीन होते हैं। मेरा फ्रेंड आ गया, अस्सलाम वालेकुम मालिक, कैसे हैं? ठीक है, मुबारक हो, कैसी छुट्टियां गुजरी? टीचर वगैरह कोई नहीं है? बस ऐसे ही मैंने ब्लॉग किया। अच्छा सही, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार, मुझे आज यहाँ पे आने का दुख नहीं हुआ, उसकी वजह यह है मैं इतना खूबसूरत मौसम जो है वो इंजॉय कर पाया, अगर मैं ना आता तो ये चीज़ इंजॉय ना कर पाता। तो अगर ऐसा मौसम ना होता मुझे दुख होता यार कि मैं इतना अपना फ्यूल ज़ाया करके आया हूँ, इतना अपना टाइम ज़ाया करके आया हूँ। इस टाइम में ना हम घर बैठे होमवर्क में बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि देखें ना हर चीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पे आके मेरा टाइम ही वेस्ट होता, लेकिन ये खूबसूरत मौसम देख के मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरा टाइम जो है वो वेस्ट हुआ है। मैं ये खूबसूरत चीज़ें कैप्चर करके आपके साथ शेयर की और ख़ुद भी जो है वो इंजॉय किया। ये देखें ये स्प्रेड हो रही है यार, पकड़ो इसे पकड़ो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। चलें चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सामने ही है यूनिवर्सिटी, वो रही, चलते हैं देखते हैं क्या मनाजिर है। अच्छा यार अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या चीज़ें जो हैं वो अपडेट हुई हैं। माशाल्लाह मौसम की तो मैं तारीफ कर कर के थक चुका हूँ। क्या कुछ अपडेट किया इन्होंने यार, यार एक मिनट यार, मेरे पाँव में मोच आ गई है यार। ओए ख्याम, इस दफा सब्जेक्ट का क्या किया ने, एक ही सब्जेक्ट डाला ने। ओ ख्याम सब्जेक्ट का क्या किया ने, एक ही सब्जेक्ट डाला ने। ये रही यार कोसार यूनिवर्सिटी, यार मेरे पाँव में मोच आ गई है, फ्रेंड्स वो आगे पहुंच चुके हैं, मुझसे चला ही नहीं यार। हमें पढ़ाई थी सर ने, नहीं तो ये किसको पढ़ा रहे हैं, थर्ड वालों को, और किसको शुरू भी करवा दिया ने, मतलब कि ऐसा पढ़ क्लास खाली पड़ी, कितनी अच्छी लग रही है ख्याम। दूसरा बार है उसे बाल दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन सा लैब नया बनाया?
ये देखें, ये देखें, ये ऐसा फैंसी किस्म का इन्होंने लगाया फिल्टर के, ये हम बटन दबाते हैं तो पानी जाता है। ये देखिए, वो हमारे डिपार्टमेंट्स की लाइट्स ऑन है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कितनी अच्छी लग रही है। आज का थंबनेल आई थिंक यहाँ से चूज होने वाला है। देखिए मरी जीपीयू और यहाँ में कितना डिफरेंस है। ये वो वाटरफॉल जाया हो गया? हाँ वाटरफॉल जाया ही। नहीं नहीं, डैम बना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक है? गेट बंद हो देखें इस एरिया तक ही हमें ये फोग देखने को मिल रही है। जो टाइम लैप्स पे क्लिप आपने चेक किया ना, यहाँ से फोग कम हो गई है बल्कि धूप ज्यादा हो गई है। ये देखें, तो हम चलते हैं माल रोड के करीब ही। जैसे जैसे हम माल रोड के करीब होते जा रहे हैं ये कम होती जा रही है। देखें यहाँ पे धूप हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फोग यहाँ पे भी है, लेकिन हम माल रोड के करीब जाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चले मैं अगेन टाइम लैप्स पे शिफ्ट होता हूँ। देखिए अब माल रोड के करीब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से फोग बिल्कुल ही खत्म हो चुकी। तो देखें, पता नहीं अल्लाह ने इस जिगा गली के अंदर क्या रखा है यार। क्या खसूसियत है यार इस जगह गली में। देखें यहाँ पे माल रोड में बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है, तो वहाँ की क्या मुनाजिर है। रिमेनिंग डिस्कशन जो हमारी होने वाली है वो माल रोड पे चल के। अच्छा डियर फ्रेंड्स, हम लोग जीपीओ चौक में पहुँच चुके हैं। सुबह जाते हुए यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था एक क्लिप से, छोटे से क्लिप से, और साथ में आई थिंक मैंने आपसे ऐसा भी कहा था कि मुझे बहुत यकीन है एज अ मरी का लोकल पर्सन कि हमें जिका गली में बहुत ज़्यादा फोग देखने को मिलेगी। और ईच एंड एवरीथिंग मैंने खोल के आपके सामने रखी यार, कुछ ही किलोमीटर्स का डिफरेंस है। आई थिंक जिका गली और इस जगह में 2 किलोमीटर्स का डिफरेंस होगा। सो इस एरिया में हमें कितना बेहतर डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। सो अल्लाह की शान है यार। और इसके अलावा अगर ये खूबसूरत किस्म का वेदर हमें ना मिलता जिका गली में, तो अभी इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होता, क्योंकि मैं अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त छोड़ के यूनिवर्सिटी के लिए गया था। घर में मैं बैठ के बहुत सारा होमवर्क कर लेता। आपको तो पता है मेरा यूनिवर्सिटी का होमवर्क भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं बहुत सारा काम छोड़ के यूनिवर्सिटी गया था, लेकिन हमारे टीचर वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, हमारी क्लासेस नहीं हुई। बहुत दुख होता है ऐसे कहते हुए। बहुत दुख होता है यार, हम लोग काफी सारा फ्यूल जाया करके जाते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो है आजकल के डेट में, वो टाइम है। टाइम इज मनी। तो मैं अभी रिसेंट हमारे जो दोस्त मिस्टर गुजरे हैं ना, मुझे एग्जैक्टली याद है कि उनका भी जो हमारा फर्स्ट डे था ना, उसमें भी हमारी क्लासेस नहीं हुई थी। एक सेमेस्टर के स्टार्ट में मैंने अपने थंबनेल पे मेंशन भी किया था, और एक पे आई थिंक नहीं किया था। सो मैं ड्यूरिंग एडिटिंग 100% कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस के थंबनेल में यहाँ पे लगाऊं जब मैंने कहा था कि आज हमारी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है,
लेकिन हमारी क्लासेस नहीं हुई, तो बड़ा दुख हुआ। चले मेरी व्लॉग भी काफ़ी लंबा होगा, काफ़ी बहस वगैरह भी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ने इतनी अच्छी जगह पे कैंपस दिया कि आज जाके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के और भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आई थिंक 3 फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मिलेंगे ज़रूर, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें। अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी ने एक ही सब्जेक्ट जो है वो हमें दिया है, जबकि 5-6 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए इस सेमेस्टर में। तो देखें डियर फ्रेंड्स, ये खूबसूरत मनाजिर थे आज यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा धूप हमें देखने को मिल रही है, गर्मी महसूस हो रही है आज क्योंकि धूप बहुत अच्छी है, लेकिन नीचे जीका गली का यार वेदर, आने को जी नहीं चाह रहा था। मैंने कहा घर चल के पढ़ते हैं यार, टाइम को वेस्ट नहीं करते। बहुत खूबसूरत वेदर था वहाँ का। तो अपने ओपिनियंस का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ओपिनियंस के अंदर ही हम लोग अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो, कोई चीज़ बुरी लगी हो, तो उसके बारे में आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।